हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आप सबको क्रिसमस की ढेरों बधाई। और आप सबने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया? और एक्चुअली जो मैंने इसका जो पहले वाला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो जो गया है, उसमें मैंने क्रिसमस ट्री अपना शेयर किया था, मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया। एक्चुअली मैंने इसको रात में सजाया और वो मैंने इसको रात में ही शेयर कर दिया। वो शायद एक मिनट का वीडियो होगा। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या क्या, आप जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है। ये एक्चुअली बच्चों ने किया है क्योंकि मेरी तो कुछ तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो करना तो कुछ और भी मैं चाहती थी, लेकिन क्योंकि बैलून वगैरह भी आप देखेंगे कि मैंने नहीं इसमें कुछ लगाया है, और बच्चों ने जितना हो सका उन्होंने करा है। और एक तो ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर पड़ रही है, बिल्कुल धूप निकल नहीं रही है, और निकलती भी इतनी फीकी होती है और बहुत ठंड है, तो वैसे ठंड में कुछ करने का मन नहीं करता। और फिर तबीयत भी ना ठीक हो तो थोड़ा सा और भी मन नहीं करता है। और आप ये देख रही हैं जो ये मेरा जो ये नेचुरल क्रिसमस ट्री है, ये नेचुरल मींस ओरिजिनल सॉरी जो ट्री है, ये इसको इसका गमला नहीं था, तो इसको मैंने ऐसे अमेजोन का एक डिब्बा पड़ा था उसमें रख दिया। मैं उसको बाद में गमले में शिफ्ट करूँगी। उसके बगल में ये आर्टिफिशियल आप देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री है, तो ये मैंने दोनों को बगल में ही रखा है एक स्टूल पर, जिससे कि अलग अलग रखने में और फिर लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती, तो मैंने एक ही जगह इसको रख कर के और रख दिया है। और फिर बच्चों ने इसको डेकोरेट करा है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बच्चों ने इसको डेकोरेट करा है। थोड़ा सा इन्होंने दीवार पर भी कुछ बनाकर लगाया है, और क्रिसमस ट्री तो इन्होंने डेकोरेट की ही है, साथ में कुछ दीवार को भी इन्होंने डेकोरेट किया है। और ये देखिए दूर से ये इस तरह से लग रहा है। और आप सब बताइए, आप सब ने क्रिसमस में क्या किया, कैसे डेकोरेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। आप ये देख रहे हैं कि जो मेरा क्रिसमस ट्री है, आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा है। एक्चुअली हम मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, आप बार सोचेंगे मैं बार बार वही बताती हूँ, लेकिन ये मतलब हकीकत है कि मेरे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और तो ये बार 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 जो भी पौधे हमेशा लाते हैं, जो क्रिसमस ट्री लाते हैं, हमेशा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इस बार मैंने छोटा से लिया। और मैं एक्चुअली जा भी नहीं पाई थी, तो आप अगर आप एक दिन पहले या उसी दिन लीजिए तो उनके प्राइस भी काफ़ी हाई होते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये दीवार पर भी कुछ स्नो फ्लेक्स टाइप की काट कर ये मेरी बेटी ने ही बनाया था, और तो उसी ने ये डेकोरेट किया है। अलग अलग शेप के हैं ये। और ये आप देख रहे हैं ये हैप्पी बर्थडे लिखा है, हैप्पी बर्थडे मीत। ये मैं एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे भी था और क्रिसमस भी था, तो वो सारा उसी में सेलिब्रेट हो जाता है। और दोनों जो फेस्टिवल हैं वो फेस्टिवल ही हैं दोनों, तो वो एक ही में सेलिब्रेट कर लेते हैं बच्चे, तो इसलिए आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर ये लगाया है। और ये यहाँ पर ये मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था, ये अपना DIY, ये जो आप ये पिंजड़ा देख रहे हैं तो वो उसको मैंने यहाँ पर लटकाया हुआ है। और ये मिरर में इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है क्रिसमस ट्री इस तरह से दिख रहा है मिरर में। जैसे कि आप यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली जब फेस्टिवल होता है तो थोड़ा सा रेड रेड या कलरफुल अच्छा लगता है, और क्रिसमस में वैसे भी रेड अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के कुशन जो छोटे वाले हैं रेड कलर के कुशन मैंने लगाए हैं। और ये दूर से आपको इस तरह से ये मेरी दीवार दिख रही होगी, और थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ में थोड़ा कलर होना चाहिए, और जब लाइफ कलरफुल होती है तो अच्छी लगती है, तो मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि सारा काफ़ी कलरफुल लग रहा है। और ये एक पिनाटा है, ये भी बेटी ने अपने भाई के लिए यानी अपने मेरे बेटे के लिए बनाया था। अब मैं आपको ये सिंगल से दिखा रही हूँ इस तरह से, ये देखिए मेरा कमरा लग रहा है। और अच्छा लगता है जब भी ये कुछ कोई इस टाइप का फेस्टिवल होता है कि नहीं तो लाइफ तो रोज़ फिर वही है, आपने कुछ खाना बनाया खाया और सो गए, और थोड़ा इस टाइप का कोई फेस्टिवल होता है तो सेलिब्रेट करिए तो अच्छा लगता है, तो इसी में बस खुशियां हम लोग ढूंढ लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों। ये देखिए लाइट रात में ये कुछ जब लाइट ऑफ होती है तो इस तरह से दिखता है, और जब लाइट ऑफ होती है तो ये इस तरह से दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने इस तरह से दिखाया कि लाइट ऑफ होने के बाद ये किस तरह से लग रहा है मेरा क्रिसमस ट्री।
ये आप देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी दीवार है। जिधर आपने देखा होगा मेरे एक दीवार पे कैमल बनाई है, उसके अपोजिट साइड वाली है। और ये मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था अपना, जब लिविंग रूम का टूर दिखाया था तब तो मैंने दिखाया था। मैं उसका लिंक आपको ये वीडियो के नीचे दे दूंगी। और ये इस तरह से लग रही है दूसरी दीवार मेरी, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से लग रही है। और आप लोग बताइए, आप लोग ने कैसे अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया? और हम लोग तो कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी कम सही थी, तो इस वजह से भी नहीं गए बाहर, और घर ही में ही सेलिब्रेट किया क्रिसमस भी। और बेटे का बर्थडे था, उसको भी घर ही में सेलिब्रेट। और जो ये आप देख रहे हैं इसको पिनाटा बोलते हैं, और ये इसमें टॉफ़ी और चमचम वगैरह जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। और फिर इसको जो बर्थडे बॉय या गर्ल होते हैं इसको डंडी से इसको मारकर इसको तोड़ते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी कैमल, जिस वॉल पे कैमल बना है वो ये वाली वॉल है, और ये दूर से कुछ इस तरह से दिख रही है। इसमें जो स्नो फ्लेक होते हैं उसको बना कर काट कर लगाया है, कागज़ क्या बना है हुआ है ये। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मैंने कुशन जो है ये मैंने रेड कलर के लगा दिया है, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। और थोड़ा फेस्टिवल सीजन में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, चेंज चेंज सा अच्छा लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पिनाटा जिसको मैंने बताया है, ये इसमें जब डंडी से इसको मारती हैं तो ब्लाइंड फोल्ड होता है आँखों में। और ये जो केक है ये घर में ही बना है, ये भी बेटी ने ही बनाया है। एक्चुअली मेरे बेटे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, और तो आपने देखा होगा जो पिनाटा था वो भी फुटबॉल का ही शेप में था, और ये भी केक भी बेटी ने उसी के मन का ही बनाया है, उसी के पसंद का फुटबॉल का शेप ही दिया है। अब देखिए इस पर कैंडल लगा दिया है, और ये जो जो बेटे के जो फ्रेंड थे आए थे तो उनको कोई भी बच्चे जो भी थे जितने भी बच्चे थे कोई भी कंफर्ट नहीं थे कैमरे के आगे, तो कोई भी कैमरे के आगे आना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि मेरे अपने खुद के बच्चे भी नहीं कैमरे के सामने आना चाहते थे। तो मैंने फिर उनको किसी को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब बच्चे कम्फर्ट नहीं होते फिर बच्चों की ही पार्टी थी, तो फिर मैंने किसी को उनका किसी का ना फेस है मतलब उनको मैंने किसी तरह से इनको कैमरे में लिया ही नहीं है। और आप ये देख सकती हैं यहाँ पर कैंडल को जला दिया है, और बस अब इसको कैंडल को बुझा करके और केक को बस अब कट करा जाएगा। बस आप देख रहे हैं ये बस कैंडल को अब बेटा ने उसको बुझा दिया है और बस केक कट करेगा। और बस यही था मेरा वीडियो, और मैंने ऐसे ही क्रिसमस और अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।